नो क्वेश्चन करें। एक दुकानदार किसी अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 30% का लाभ कमाता है। उसे वस्तु के बिक्री पर 39.90 रुपये का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य उसका ज्ञात करना। हम मान लेते हैं कि जो हमारा MRP है 100 रुपये है, इसमें क्या कर रहा है 28% की छूट देता है, तो हमारा SP हमारा निकल कर जाएगा कितना, 72। SP हमारा निकल के कितने आ गया, 72, 28% का छूट दे रहा है। इसके बाद उसने ये बोला कि फिर भी वो 30% का लाभ कमाते हैं। यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, तो CP वर्क का होता है SP into 100, SP into 100 अपॉन में 100+ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर SP कितना है, 72 निकल के आ गया। उसके बाद 100 अपॉन में प्रॉफिट कितना है, 30% है, 100+30 कितना होता है, 130। तो यहाँ से लगभग पॉइंट पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 720 अपॉन में 13, तो हो जाएगा 13 चौके 52, 13 5 65, 13 5 65 और 12 7, फिर 13 5 65 55 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 55.38 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पर यहाँ पर निकल के आएगा SP हमारा कितना है, 72 है। CP हमारा निकल के आएगा कितना है, 55.38। यहाँ से लाभ कितना खा रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लाभ कितना खा रहा है, तो आप बोलेंगे 16.6 का लाभ आ रहा है। कितना का लाभ आ रहा है, सॉरी 16.62 का लाभ आ रहा है, 16.62 का लाभ आ रहा है। 16.62 का लाभ कितने पा रहा है, 39.90 पे। तो यहाँ से ये कितना गुना है इसके, 39.90 का है, कितना गुना है, तो 16 दूनी का 32, 2 और ये हो जाएगा आपका 2, 16 चौका 64, 2.40, 2.40 है। अब यहाँ पर 2.40 है, तो हमारा MRP कितना दिया गया है, 100। तो MRP हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.40 × 100, तो यह क्या करेगा, बटा में 100, 100 खत्म हो जाएगा, 240 अप्रोक्स में आपका वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ